मौजूदा दौर साइंसी दौर है जिसमें ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में साइंस अपनी तमाम तर तरक्यात और इनकशाफात के साथ जलवागर है। देखा जाए तो हर साइंसी ईजाद के पीछे किसी साइंसदा का दिमाग कारफरमा होता है, जो अपने गर्दोपेश में फैले हुए बेशुमार पेचीदगियों को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करता है, और इस कोशिश के दौरान वो ऐसी अजीब व गरीब और दिलचस्प मुफीद मालूमात भी फराहम करता है जो बाद में आम लोगों को साइंस के नुकात और हकायक समझने में मदद देती हैं। हमारे मुल्क ने भी साइंस के मैदान में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में हमारे लिए तरक्की और फलाह बहबूद की राहें हमवार की। खुशामदीद ख्वातीन के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात मुल्क की एक नामवर खातून साइंसदान डॉक्टर विजय लक्ष्मी रविंद्रनाथ से होगी। डॉक्टर विजय लक्ष्मी रविंद्रनाथ हरियाणा के मनेसर में वाक़ा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की सरबराह हैं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साइंसदानों की अपनी टीम के हमराह दिमाग को मुतासर करने वाली पार्किंसंस और दूसरी बीमारियों पर तहकीक में मसरूफ हैं। जब हम लोगों ने ये वाजे कर दिया कि इंसानी दिमाग दवाओं को अपने खलियों में तहलील कर सकता है, जिससे दिमाग के मरीजों को फायदा पहुंच सकता है, तो वो एक बहुत ही अहम साइंसी कारनामा तसव्वुर किया गया। और मुझे ये बताते हुए मुसर्रत हो रही है कि ऐसा इंकशाफ दुनिया में पहली बार हुआ है। मतलब ये कि इंसानी दिमाग में अब इस कुव्वत का पता चल गया है कि दवाओं को या तो उसके खलिये गैर मुतहरिक मरकब में बदल देते हैं या गैर मुतहरिक दवा के अज्जा को मुतहरिक अज्जा में बदल देने की सलाहियत रखता है। अब ये सच है कि इंसानी दिमाग ये काम भी कर सकता है, और साइंसदानों को इस वजह से कई ऐसे इशारे मिले हैं जिससे दिमाग की बीमारियों पर तहकीक और उसके इलाज में मदद मिल रही है। ये एक बहुत बेशबहा खिदमत समझी जा रही है। देखिए, होता ये है कि दिमाग के मरीजों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन पर दवाओं का असर नहीं होता है। इसके कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि दिमाग तक दवाओं की सही मिकदार नहीं पहुंच पाती। सभी ये सोचते थे कि लीवर जो है वही दवाओं को तहलील करता है और फिर दवाएं जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती हैं। लेकिन हम लोगों ने ये साफ साफ दिखा दिया कि दिमाग भी दवाओं को तहलील कर सकता है, दवाओं को अपने अज्जा में तोड़ सकता है, और जो असल कीमिया दवाओं में निहा है उसे खारिज कर सकता है। और ये काम वाकई किस तरह और कहाँ होता है? इस मारकतुल आरा साइंसी काम में हम लोगों की माली मदद अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ ने की है, और ये मादूदे चंद ऐसे प्रोजेक्टों में है जिस पर अमेरिका से बाहर किसी दूसरे मुल्क में काम हुआ हो। ये काम दुनिया में कहीं किसी और ने नहीं किया है, और हमारी तजर्बगाह दुनिया के सफ़े अव्वल के तजर्बगाहों में शुमार की जाती है जहां ऐसा काम हुआ है। दिमाग पर तहकीक में आपके हालिया मुशाहदे क्या हैं? कुछ हालिया तहकीक अब बैनुल अक्वामी जरीदों में हम शाया कर रहे हैं, जिसमें पार्किंसन बीमारी भी शामिल है, जहां हम लोगों ने अपने बरसों के तजर्बों और मुशाहदों से ये साबित कर दिखाया है कि चंद ऐसी नई राहें भी मौजूद हैं जो दिमाग के आसाबी खलिये अपनी मौत के लिए इख्तियार करते हैं। आपको ये जानकर
हैरत होगी कि इंसान के दिमाग में 1,20,00,000 आसाबी खलिये होते हैं, और अगर दिमाग की सतह की सिलवटों को खोलकर फैला दिया जाए तो वो 680 मुरब्बा इंच तक फैल जाएगा। इंसानी दिमाग जिस्म का एक हद दर्जा पेचीदा हिस्सा है। इसमें ना मालूम कितने छोटे छोटे हिस्से हैं, और हर हिस्से को एक खास काम अंजाम देने की हिदायत होती है। इंसानी दिमाग को समझना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और ये किस्म का आखिरी महाज तसव्वुर किया जाता है, और एक छोटी सी छोटी हकीकत की तलाश जो शेर लाने से कम नहीं। दुनिया के कई तजुर्बगाह इस उधेड़ बुन में लगे हैं, जिसमें हमारी तजुर्बगाह भी शामिल है। हालांकि ये खास तहकीक हमारी तजुर्बगाह का असल काम नहीं है। हमारा असल काम है पार्किंसन बीमारी कैसे होती है। हम जानवरों पर अपनी तहकीक करते हैं, इस बीमारी के ताल्लुक से मर्दों और औरतों के दरमियान फ़र्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बात के लिए भी कोशिश हैं कि दिमाग को ऐसी बीमारियों से बचाया जा सके। आपके लेबॉर्टरी में जो तहकीक हो रही है उनमें किस खास मौजू पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है? So, the lab is asking a very simple question. हम लोग एक निहायत बुनियादी मसले पर काम कर रहे हैं। Why not the other cells? क्यों सिर्फ एक ही तरह के खलियों की मौत हो रही है, क्यों दूसरे खलिये खत्म नहीं हो रहे हैं? और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमें इसका इल्म हो गया, ये बात पता चल गई कि ये खलिये कौन सी राहें इख्तियार करते हैं जिसे ये खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो शायद हम ये भी समझ सकने के काबिल हो जाएं कि इसे कैसे रोका जाए, उस रास्ते को कैसे बंद कर सकते हैं ताकि खलिये न उस रास्ते पर जाएं और न मरें। अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो पाते हैं तो शायद हम लोग बीमारी को रोकने या उसके बढ़ने की रफ्तार को कम से कम धीरे करने में भी कामयाब हो जाएंगे। दिमाग पर तहकीक और बीमारी की रोकथाम दोनों में क्या रिश्ता देखती हैं आप? मस्तिष्क से रिलेटेड कई बीमारियां होती हैं, कुछ मानसिक होती हैं जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, और कुछ बुज़ुर्गों को आता है जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस हैं। अल्जाइमर में तो हम अपने स्मृति खो बैठते हैं, मतलब मेमोरी खो बैठते हैं। पार्किंसंस में हमें चलने में दिक्कत होती है। तो ये बीमारियाँ जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भारत में बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि आम लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इनका कोई इलाज अभी है नहीं। और इनका इलाज कुछ ढूंढने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि ये बीमारियाँ होती क्यों हैं, और क्यों मस्तिष्क के एक छोटे से भाग में सेल्स मर जाते हैं। क्यों, अगर हम ये जान जाएं कि क्यों ऐसा होता है तो हम शायद नए दवाइयों का खोज कर सकें। तो मेरी लैबोरेटरी जो है वो इसी खोज में जुटी हुई है। ऐसा क्यों है कि औरतों में पार्किंसंस की बीमारी कम होती है? औरतों में पार्किंसंस डिजीज क्यों कम होता है, उसकी वजह क्या है, औरतों का मस्तिष्क कैसे प्रोटेक्ट रक्षित रहता है, तो ये जानकर हमें ये आशा है कि अगर हम ये जानकारी जान जाएं तो हम पार्किंसंस डिजीज़ के लिए नई दवाइयों की खोज कर सकते हैं। क्या दिमाग का कोई ख़ास हिस्सा होता है जो पार्किंसंस बीमारी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है? पार्किंसंस डिजीज देयर इज अ रीजन ऑफ द पार्किंसन बीमारी में दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे सबस्टेंशिया नीग्रा कहते हैं। वो एक छोटा सा हिस्सा होता है, शायद दिमाग का 1% हिस्सा, और उसमें कुछ खलिये ऐसे होते हैं जिसमें एक कीमिया डोपामीन होता है, उन्हीं की मौत होती है, और इसी वजह से जो तकलीफ पार्किंसन बीमारी में आप देखते हैं वो इसी वजह से होती है, जिसमें इंसान कांपता है, उसे अपने जिस्म के हरकतों पर काबू नहीं रहता, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो हम यही जानना चाह रहे हैं,
अपने तजुर्बों से कि सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंशिया निग्रा में डोपामीन रखने वाले खलिये ही क्यों मरते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि औरतों में ये बीमारी कम होती है, और अगर उसकी वजह यानी उन आसाबी खलियों के मौत की वजह का इल्म हो जाए तो मुमकिन है हम इसे रोक सकें। ये जनीन यानी हॉर्मोन्स जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं क्या होता है? एस्ट्रोजन एक निहायत मुवस्सर कीमिया है जो दिमाग की हिफाजत करता है। इस बात का इल्म पहले से है। मसलन ईस्ट्रोजन हार्मोन हड्डियों की भी तहफ्फुज़ करता है, क्योंकि बूढ़ी औरतों में हड्डियों के कमज़ोर होने के अमल जिसको ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब तक ये मालूम नहीं है कि कैसे ईस्ट्रोजन हड्डियों का तहफ्फुज़ करता है और जिसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, और जब जिस्म में ईस्ट्रोजन की मिकदार कम होती है तो दिमाग पर भी असर होता है। दिमाग को महफूज रखने वाले किले मिसमार होने लगते हैं, और दिमाग पर तहकीक में जो मसला दरपेश है वो ये कि दिमाग में कई तरह के खलिये होते हैं। हयातियाती तौर पर अगर गौर करें तो पार्किंसंस बीमारी और औरतों में आपकी दानिश में क्या रिश्ता हो सकता है? औरतों में पार्किंसन बीमारी कम होती है। औरतों में दिमाग की दूसरी बीमारियां मसलन मोटर न्यूरॉन की बीमारी जिसमें जिस्म की हरकत पर कंट्रोल जाता रहता है अक्सर देखी जाती है। जब बुढ़ापे में ईस्ट्रोजन हार्मोन की मिकदार कम हो जाती है तभी इन बीमारियों का हमला होता है। तो जहां हम ये जानते हैं कि ईस्ट्रोजन आसाबी खलियों का मुहाफिज है, वहीं हमें इस बात का इल्म नहीं है कि दरअसल ये हिफाजत करता कैसे है, मतलब मेकानिज्म क्या है। ये इंकशाफ काफी दिलचस्प है, कुछ और वजाहत करेंगी? फॉर एग्जाम्पल वी शोड मोर रिसेंटली, मसलन हाल ही में मैंने ये वाजे कर दिया है कि एक शख्स में एक एंजाइम जो किसी दवा को तहलील करने के अमल में हरकत में आता है वो दिमाग में अलग होता है और लीवर में अलग, और यही वो फर्क है जिससे हरकत के आखिरी फैसले किए जाते हैं। मसलन कीमिया या दवा जिसे हम कोडीन कहते हैं वो तहलील होकर बदल कर अपने जुज़वी अंसर में टूटकर जब मॉर्फिन बनता है तो हम शदीद से शदीद दर्द से राहत पा लेते हैं। तो ऐसे दर्द में जब आप कोडीन का इस्तेमाल करते हैं तो होता ये है कि आपका जिस्म उस कोडीन को मॉर्फिन में तब्दील कर देता है और फिर उस मॉर्फिन का दिमाग पर असर होता है। तो आमतौर पर लोग ये सोचते रहे कि लीवर में कोडीन तहलील होता है और फिर खून से होते हुए वो दिमाग तक पहुंचता है और तब आप दर्द में कमी का एहसास करते हैं, लेकिन हमने ये साबित कर दिखाया कि दिमाग में एक प्रोटीन होता है जो लीवर के प्रोटीन से अलग होता है, और वही प्रोटीन इसका जिम्मेदार होता है कि वो कोडीन को मॉर्फिन में बदल डाले। बस जाहिर हुआ कि कोडीन के तहलील होने का अमल बजाय जिगर या लीवर के दिमाग में होता है, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प इंकशाफ था, और हम लोगों को फिर इस बात की फिक्र नहीं रही कि खून में मॉर्फिन की कितनी मिकदार दौड़ रही है, क्योंकि दिमाग खुद मॉर्फिन बना सकता है। इसी तरह हमने कई और दूसरी चीजों पर भी ऐसा काम किया है। तो फिर एक और बात वाजे हुई कि दिमाग में अगर वो खास एंजाइम गैर हाजिर है तो जाहिर है कि फिर कोडीन के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं होगा। ये बड़े दिलचस्प इंकशाफ थे जो लोगों को मालूम नहीं थे। इसमें अभी आगे बहुत काम करना बाकी है। एंजाइम क्या होता है और यहाँ इसका क्या रोल है? वो एक एंजाइम है साइटोक्रोम P450 जो लीवर में रहता है काफ़ी, और कोई लोग कभी ये नहीं सोचे कि वो ब्रेन में भी रह सकता है और एक अलग रूप से रह सकता है जिससे कि वो दवाइयों को अलग अलग रूप में बदल दें। तो ये हमारी खोज थी कि वो ब्रेन में ह्यूमन ब्रेन में रहता है, अलग तरीके से रहता है, अलग तरह से, और वो दवाइयों को अलग तरीके से उनका आकार बदल सकता है। इससे मानसिक बीमारियों के ट्रीटमेंट में बहुत असर पड़ सकता है। आपकी इन तमाम तहकीक का
एक आम इंसान को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? फ़र्ज करिए एक बीमारी जो दिमाग को मुतासर करती है, मसलन जापानीज इंसेफेलाइटिस, तो क्या इसके बारे में आपने कभी गौर किया? देखिए, अभी जापानीज इंसेफेलाइटिस की खोज तो हमारी तरफ से पूरी हो गई है, पर उसको तो क्लिनिकल ट्रायल में ले जाना है, तो वो क्लिनिकल ट्रायल कम से कम 1-2 साल लगेगी। कोई हॉस्पिटल हमें खुद ढूंढ के सब करके डॉक्टरों को राज़ी करके बहुत मुश्किल है। ये जो ट्रांसलेशन है वो सबसे मुश्किल। खोज तो हो जाती है पर उसको लोगों तक पहुंचाने का जो काम होता है, टेस्टिंग का जो काम होता है, बहुत मुश्किल काम। आप जिस हलके तहकीक में काम करती हैं उसमें जदीद मौजूआत क्या हैं? और टॉपिक्स आर ऑफ कोर्स, वन इज़ द ब्रेन मशीन इंटरफेस। जिन जदीद मौजूआत में हमारी दिलचस्पी है वो हैं दिमाग और मशीन के माबेन रिश्ता, यानी ब्रेन मशीन इंटरफेस। मतलब ये कि क्या हम कोई ऐसी मशीन बना सकते हैं जिसकी मदद से ऐसे मरीज जिनके हाथ पैर बिल्कुल बेकार हो गए हों उनका फ़ायदा हो सके। इसमें ये होगा कि आपके महज किसी हरकत के बारे में सोचने से वो हरकत हो सकेगी। मसलन आप सिर्फ सोचें कि हमारा हाथ घूमे तो आपका हाथ घूमेगा। दूसरा मौजू है स्टेम सेल्स, जिसमें बहुत मुमकिनात हैं, और तीसरा के किस तरह दिमाग के मरीजों की मदद की जाए। अब तक कितने पेटेंट्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं? एक तो जापानीज इंसेफेलाइटिस का था, एक नरेंद्र ढिंगरा ने रेटिना में किया है पेटेंट, 2 पेटेंट्स हमारे इमेजिंग में जा रहे हैं जहां नई खोज की है, अभी 1 पेटेंट अल्जाइमर में भी जाएगा। इफ वी सॉल्व द एस्ट्रोजन प्रॉब्लम, यानी दवाएं दरअसल किन खास मुकामात पर असरअंदाज होंगी ये पता चलेगा, ताकि दिमाग की हिफाजत की जा सके। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू रीड अबाउट हिस्ट्री ऑफ साइंस बिकॉज दैट्स व्हाट टेल्स यू। मैं समझती हूँ कि ये बात बहुत अहम है कि हर आदमी को साइंस की तवारीख का इल्म हो, क्योंकि तभी पता चलेगा कि कितनी यकसुई और जाँफिशानी से लोगों ने काम किया है, तब कहीं जाकर कुछ हासिल हुआ है। और ख़ास बात ये है कि उन्होंने मेहनत तो ज़रूर की लेकिन कभी किसी नतीजे की उम्मीद नहीं की। मसलन DNA की दरियाफ्त को ही ले लीजिए। दरअसल बहुत पहले यूरोप में साइंस में साहिबे हैसियत और मालदार लोग ही दिलचस्पी रखते थे, क्योंकि सरकारी माली इमदाद नहीं थी। वैसे लोग सर्दी के ज़माने में शदीद ठंडक का मुकाबला करते हुए रातों में अस्पताल के बाहर खून से लथपथ पट्टियों से DNA निकाला करते थे। वो ये काम सर्दियों में ठिठरते हुए इसलिए करते थे कि उस वक्त रेफ्रिजरेटर इजाद नहीं हुआ था, और अगर यही काम दिन में किया जाता तो पट्टियां सड़ सकती थीं। या फिर एमिले फिशर को ही ले लीजिए, जो माचिस की तीलियां लिए बैठे रहते थे और ग्लूकोज के साल में यानी मॉलिक्यूल की साख्त को समझने में लगे रहते थे, और जिन्होंने बिलाखिर ऑप्टिकल रिजोल्यूशन ढूंढ निकाला। ये सब वो जर्मनी में एक कॉफ़ी की दुकान में बैठे किया करते थे। यूरोप एक ऐसा साइंसी मरकज था जहां कई दिलचस्प साइंसी इजादात हुए, या फिर हमारा सबसे पसंदीदा शख्स रामानी कहाल को लीजिए। रामानी कहाल वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया कि दिमाग में आसाबी खलियों की क्या शक्ल होती है, जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। रामानी ने अपनी तजुर्बा अपने बावर्ची खाने में बना रखी थी, जहां उन्होंने उस जमाने में अपने हाथों से एक माइक्रोस्कोप बनाया और फिर उसमें देख देख कर वो न्यूरॉन्स की तस्वीर बनाया करते थे। और हैरत है कि सिर्फ उन तस्वीर को देख कर उनके काम करने के तरीके का ऐसा सही और सटीक अंदाज़ा लगाया जो आज तक भी नहीं बदला। जिन ईजादात ने दुनिया बदल डाली और दुनिया को इंसानों के लिए एक बेहतर जगह बनाई, उनमें किन ईजादात को आप अहम समझती हैं? आई थिंक द डिस्कवरी ऑफ PCR
मेरे ख्याल में PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस ईजाद ने दुनिया बदल डाली। इसकी वजह से जीनी बीमारियों की शनाख्त में बहुत मदद मिली है। दरअसल PCR में होता ये है कि आप DNA को एक बहुत ही छोटे टुकड़े को एक बहुत आसान तरीके से एक बड़ी मकदार या बड़ी तादाद में हासिल कर सकते हैं। और मैं क्या बताऊँ, साइंसी बिरादरी इल्मे हयातियात में जो भी करती है उसमें उसका किसी ना किसी जगह ज़रूर इस्तेमाल होता है। देखिए, होता ये है कि ज़रा मुश्किल है समझाना। देखिए, अगर DNA का एक नहायत ही छोटा हिस्सा अगर आपके पास है और आप कभी कभी ये भी नहीं जानते कि ये DNA है भी या नहीं, तो इस तकनीक के इस्तेमाल से आप उसे इतना बढ़ा सकते हैं, इतना ज़्यादा बना सकते हैं कि फिर आप उसे पहचान सकते हैं। जीनी शनाख्त और सीक्वेंसिंग और ना मालूम कितने इस्तेमाल हैं इसके, और हद तो ये है कि इस ईजाद को अभी सिर्फ 25 साल ही हुए हैं और इतनी ही मुद्दत में इसने साइंस की शक्ल ही बदल डाली है। ये बहुत ही ड्रामाई ईजाद है। इल्मे आसाबियात में दिमागी बीमारियों के हयातियाती बुनियाद के चंद इनकशाफात ने भी एक बहुत मुस्बत असर डाला है। इंसानी दिमाग अभी भी इर्तिका पजीर है, और फिर इंसानी दिमाग भी इस अम्र का अहल है कि ये बीमारियों के इलाज में नए रास्तों की निशानदेही करे। क्या हमेशा से आप साइंसी तहकीक में दिलचस्पी रखती थी? मैंने मेरे PhD जो था वो टर्मरिक पे था, करक्यूमिन। वो अभी बहुत बड़ा एंटी कैंसर ड्रग हो गया है। मैंने ही पहले एक खोज की थी जिससे मैंने मेरे PhD में जिसको मैंने देख ये खोज की थी कि करक्यूमिन जो हम खाते हैं वो कैसे बॉडी में अलग रूप में बदल जाता है और कितना खून में आता है, और वो सब आजकल उस उन पेपरों का बहुत महत्वपूर्ण ये है अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंसर ड्रग बन गया है। तो फिर वहाँ से शुरू हो के फिर मैं ये मस्तिष्क के रिसर्च में आ गई। स्कूलों, कॉलेजों और दीगर दर्सगाहों में तालीम हासिल करने वाली लड़कियों की तादाद अब पहले से कहीं ज़्यादा दिखती है, लेकिन जब नौकरी या आला ओहदों पर फाइज लड़कियों की तादाद पर नज़र करें तो अचानक एक बहुत बड़ी कमी दिखती है। लड़कियां आगे चलकर फिर गायब कहां हो जाती हैं? PhD करते करते तो कम से कम 27, 28, 30 उम्र हो जाती है, तो वही टाइम होता है जब PhD ख़त्म होकर औरतों को अपनी शादी या बच्चे भी होते हैं, और वो टाइम जो है वही उसी टाइम पे वैज्ञानिकों का बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता है, जहाँ उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। ये दोनों को संभल के आगे चलने के लिए बहुत दृढ़ता चाहिए, फैमिली की सपोर्ट चाहिए, वर्कप्लेस में सपोर्ट चाहिए, तो इनके कारण काफ़ी औरतें उस टाइम में ये वैज्ञानिक जीवन छोड़ देती हैं, वैज्ञानिक रास्ता ये प्रोफेशन छोड़ देती हैं। ज़रूर हमें ऐसे उपाय तय करने होंगे जिससे कि हम उन्हें 1-2 साल की छुट्टी दे दें, या उनको तब फ्लेक्सी टाइम दे दें, उनको ज़्यादा सपोर्टिव रखें, और जब सब थोड़ा उनका जब लाइफ थोड़ा और आसान हो जाए उनको वापस लाने में हम उनकी मदद करें, ये बहुत ज़रूरी होगा। आप एक अरसे से काम कर रही हैं, आपके तजर्बे और मुशाहदे बहुत वसी, तो क्या इतने दिनों में आपकी शख्सियत में कोई तब्दीली आई? आई बिलीव दैट साइंस इज नथिंग बट सर्च। मेरा यकीन है कि साइंस कुछ और नहीं बल्कि एक हकीकत की तलाश है। तहकीक कुछ और नहीं बल्कि एक जस्तजू है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसका आईना है। मेरी ज़िंदगी में गैर ईमानी की कोई जगह नहीं है, और दयानतदारी और यकसुई जो साइंस में चाहिए वही हमें ज़िंदगी में भी चाहिए। ये किसी राज पर से पर्दा उठाने की तरह है, एक एक परत हटाते जाएं, उनके अंदर झांकते जाएं, समझते जाएंगे कि क्या है ज़िंदगी और उसका अमल। तो इस तरह ये एक मुअम्मा है जिसे आप जितना सुलझाएंगे उतनी ही खुशी हासिल होगी।
मेरे लिए हर दिन एक नया दिन है और मैं बहुत मशकूर हूँ मालिक की कि मैं अपनी दिली ख्वाहिश का काम करती हूँ। और मजे की बात यह है कि मुझे अपना पसंदीदा काम करने का मेहनताना भी मिल जाता है। साइंस की तालीम से जिनकी आंखें खुलती हैं वो खुशनसीब होते हैं, उन्हें मुसर्रत होती है। अफसोस है ऐसी खुशी कॉलेज के दिनों में नहीं मिलती, तब तो सारा वक्त इम्तिहान और इम्तिहान की तैयारियों में निकल जाता है। कॉलेज में प्रैक्टिकल के दौरान आपको पहले से मालूम होता है कि एक खास नतीजा ही हासिल होगा, तो ऐसे में नई हकीकतों के आप मुतलाशी नहीं होते। Mom was always the person who was the caregiver. हमारी माँ वो शख्स हैं जिन्होंने हमारा ख्याल रखा, अभी भी हमारे लिए फिक्रमंद रहती हैं, बहुत प्यारी हैं, अभी भी मुझे पसंद है कि मैं अपने वालदेन के साथ बैठकर तरह तरह के मौजू पर बातचीत करूं। मेरे वालिद साहब अब 80 साल के हो जाएंगे। तहकीक के सिलसिले में अब तक आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी क्या मुश्किल पेश आई? एक्चुअली NBRC has made me fearless. That's what I दरअसल नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ने मुझे बेखौफ बना दिया है। मैं तो यही कहूंगी, मुझे अब कोई खौफ नहीं है। गुज़िश्ता 10 सालों ने ऐसा कर दिया है, जब कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं अपने ऑफिस के लोगों से कहती हूँ, हे, पहले के मुकाबले में इस मुश्किल के क्या विसात है। एक दफा आपका खौफ खत्म हो गया तो आपके फैसले भी सही होंगे, क्योंकि खौफ के असर में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। ये एक बड़ी तब्दीली है मुझ में। मैं पहले बहुत फिक्रमंद रहा करती थी, लेकिन अब नहीं। क्रिएटिंग NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर को कायम करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। हर तरह की मुश्किल पेश आई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हमारे रिसर्च स्कॉलर PhD नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा इदारा ही इस काबिल हो गया। और अब हमारी क्षमता पर जरूर वो डाउट करते हैं कि कर पाएगी कि नहीं, यू नो, तो ये तो रहता ही है। तो हमें मर्दों के कंपेयर करने से बहुत ही और ज़्यादा काम करना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के। मैं कहूँगी दुगनी तिगनी काम करना कि ये मस्तिष्क जो है यही तो हमारी पहचान है जो हमें मनुष्य बनाता है, तो इसमें तो इसकी सीमा तो बिल्कुल ये तो असीमित है। सो मैं सोचती हूँ कि 4 जन्म भी हों तो ये काफ़ी नहीं होगा। बस यही एक कभी कभी लगता है अगर 20-30 साल और छोटे होते तो उतना और लंबा सफ़र होता। खुशाम दे 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 खुशाम दे